साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ भारत टीम के 25 रन पे 3 विकेट गिर गए थे। उसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने पारी को आके संभाला और जड़ दिया दुनिया का सबसे लंबा छक्का और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो केएल राहुल ने कैसे गेंद को स्टेडियम से बाहर निकाला, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया साउथ अफ्रीका टीम के बीच में सेंचुरियन के मैदान पे पहला टेस्ट मुकाबला स्टार्ट हुआ, जिसमें टॉस जीत करके साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। दोस्तों भारत टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल 17 बना करके आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा मात्र 5 रन का योगदान दे पाए तो वही शुभमन गिल 2 रन पे अपना विकेट गवा बैठे। उसके बाद विराट कोहली ने 38 रन की पारी खेली मगर रवाड़ा ने आउट करवा दिया। और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने 31 रन लगाए मगर दोस्तों उसके बाद मैदान पे आया केएल राहुल का तूफान। दोस्तों केएल राहुल ने पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्लो खेलना स्टार्ट किया और पारी को बिल्ड किया, मगर दोस्तों जब पारी थोड़ी सी ऊपर पहुंच गई तो केएल राहुल ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को। दोस्तों पहले दिन के खेल खत्म होने तक केएल राहुल ने बनाए 105 गेंदों में 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के की मदद से 70 रन नाबाद और भारतीय टीम ने बना लिए पहले दिन के खेल खत्म होने तक 208 रन 8 विकेट गंवाने के बाद 59 ओवर में। दोस्तों 55वां ओवर कराने की जाए साउथ अफ्रीका टीम की ओर से रवाड़ा की चौथी गेंद पे केएल राहुल ने गेंद को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया और जड़ दिया दुनिया का सबसे लंबा छक्का।